ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो क्या हम सभी को साल 2022 में रोमन रेंस एंड बॉबी लैशली का मैच देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में बात करी है बॉबी लैशली ने, और मनी इन द बैंक की लोकेशन हो सकती है चेंज, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, और भी काफ़ी अमेजिंग अपडेट्स होने वाली है वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोग काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो ज़्यादा बार बोल दिया क्या? तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, ठोक दो सब्सक्राइब बटन, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है इस हफ्ते NXT की व्यूअरशिप से, सबसे पहले हम लोग लास्ट वीक की व्यूअरशिप की बात कर लें, तो लास्ट वीक व्यूअरशिप आई थी 601K व्यूअरशिप, जो कि ऑलमोस्ट 6 लाख थी, तो काफ़ी सही व्यूअरशिप थी। और अगर इस हफ्ते की बात करो तो भाई काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल आ चुका है, और यहाँ पर व्यूअरशिप आई है 5,51,000, या फिर कहते तो 551K व्यूअरशिप। बाकी यार उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, और NXT में भी देख नहीं रहा हूँ, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि शो कैसा था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी द फिनोम दी अंडरटेकर से, और ये बात तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगी कि सबको डराने वाले दी अंडरटेकर खुद डरते हैं कुकुम्बर से, और कुकुम्बर मतलब खीरा होता है, और शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई पता चल गया होगा। तो यहाँ पर दी अंडरटेकर डरते हैं खीरे से, और इसको लेकर उनकी वाइफ बात करती हैं कि वो क्यों खीरे से डरते हैं। तो वो बात करती है कि भाई अंडरटेकर को ऐसा बचपन से कोई डर नहीं है, वो पहले बहुत सारे खीरे खाते थे, उनको कुछ भी डर नहीं लगता था, और जो उनकी बेटी हैं वो कभी कभी उनके पिलो के नीचे भी रख देती हैं, जब से उन्हें पता चला है कि पापा डरते हैं खीरे से, और वो कार वगैरह में भी डाल देती हैं। लेकिन अंडरटेकर पहले नहीं डरते थे, वो खाते भी थे, लेकिन अब अंडरटेकर खीरे से क्यों डरने लगे हैं? तो इसका रीज़न है, एक बार खीरे खाने के बाद वो हो चुके थे बीमार, और जैसे ही वो बीमारी से ठीक हुए तो उनको लगने लगा है खीरे से डर। तो एक रीज़न बताया उनकी वाइफ ने कि क्यों दी अंडरटेकर डरते हैं खीरे से। बाकी आप लोग अपने थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट डिबेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी करंट रॉ वुमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर से, और बियांका ब्लेयर वापस से जाना चाहती हैं NXT पर, और उनको एक और रन चाहिए। तो वो बात करते हैं कि अभी करंटली देखो नटालिया भी NXT पर है, जो कि आई थिंक पहले भी काम कर चुकी है, और वहाँ पर भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक रही थी, और मैं भी NXT से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं जीती है NXT वुमेंस चैम्पियनशिप को, और मुझे वो चैम्पियनशिप चाहिए, और मुझे वापस से जाना है NXT पर। वहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जो चीज़ें मैं वहाँ से सीख के आई हूँ वो मैं सबको मेन रोस्टर पे दिखा रही हूँ। तो बियांका ब्लेयर को चाहिए वापस से NXT का एक रन। बाकी देखो और बियांका ब्लेयर कभी जाती हैं NXT में या फिर नहीं, जिसके चांसेस लगते तो हैं, क्योंकि भाई WWE में कुछ भी होता रहता है। नेक्स्ट बीट की बात करें जो कि जुड़ी है WWE की बैंड वर्ड से, और यहाँ पर विंस मैकमैन ने कर दिया है इस लिस्ट में एक और बैंड वर्ड। और पता है ना WWE के अंदर काफ़ी सारे बैंड वर्ड होते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते हो, जिसमें से रिसेंटली कोडी रोड्स ने भी एक वर्ड बोला था मंडे नाइट रॉ के शो के अंदर। तो विंस मैकमैन ने इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया विंस मैकमैन ने, जो कि है अटैक। और पता नहीं इतना सिंपल सा अटैक क्यों वर्ड उन्होंने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर रीज़न भी मैं आपसे बताता हूँ, क्योंकि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रीज़न है कि भाई रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो भाई ये वर्ड WWE में नहीं चलेगा। तो अब कॉमेंटेटर सुपरस्टार्स या फिर कहते जो इंटरव्यूअर्स हैं वो भी ये वर्ड का नाम नहीं ले सकते हैं WWE के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी साशा बैंक्स एंड नियोमी से, और मैं आप सभी को पर डे अपडेट दे रहा हूँ साशा एंड नियोमी के बारे में। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ टाइप सी है, और पता नहीं WWE की ये गलती है, उन्होंने देखा या फिर नहीं देखा, क्योंकि जो 24 जून का एपिसोड है वहाँ पर रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, और रोमन रेंस को हटा के आ चुकी है वहाँ पे साशा एंड नियोमी, और लास्ट वीक WWE ने उनको सस्पेंड किया है। और आई थिंक WWE ने ये चीज़ें देखी नहीं है, या फिर उस टाइम तक सारी चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं, क्योंकि जो 24 जून का एपिसोड है वहाँ पर साशा एंड नियोमी एडवर्टाइज, लेकिन रोमन रेंस नहीं है। बाकी देखा उस टाइम तक क्या कुछ सीन होता है, और रोमन रेंस ने तो ऑलरेडी कह ही दिया है कि वो समर में थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है मनी इन द बैंक 2022 से, जिसमें आ सकता है प्रॉबली चेंज, और ये चेंज के चांसेस पूरे 100% हैं, क्योंकि जो सोर्स है वो काफ़ी तगड़ा सोर्स है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोर्स ये बताया जा रहा है कि लास वेगास में जो एलिजेंट स्टेडियम है जहाँ पर मनी इन द बैंक होने वाला है, अब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और WWE लोकेशन से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रही है, क्योंकि लोकेशन तो भाई पोस्टर में ऐड हो चुका है लास वेगास। तो यहाँ पर WWE वेन्यू चेंज कर सकती है, और वेन्यू यहाँ पर अभी करंटली है एलिजेंट स्टेडियम, और वेन्यू आ सकता है MGB स्टेडियम, जो कि लास वेगास के ही अंदर है। बाकी देखो क्या कुछ सीन होता है। और ऐसा WWE इसलिए कर रही है क्योंकि टिकट सेल्स में दिक्कत आ रही है लेजनर के एडवर्टाइज होने के बावजूद भी, और पेपर व्यू इतना बड़ा भी है।
और फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी हमारी ट्राइबल चीफ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस से, और कि हम सभी को रोमन रेंस एंड लैशली का मैच देखने को मिल सकता है साल 2022 के अंदर। और इसके बारे में बात करते हैं रिसेंटली लैशली, और लैशली कहते हैं कि ओमोस के फ्यूड खत्म होने के बाद वो जाएंगे सीधा मेन टाइटल की पिक्चर में, और यहाँ पर उन्होंने हिंट दे दिया है कि वो जा रहे हैं रोमन रेंस के सामने, और ओमोस की फ्यूड आई थिंक हेल इन अ सेल के बाद खत्म हो जाएगी। और मैं आप सभी को पहले भी रूमर्स दे चुका हूँ कि WWE प्लान कर रही है बॉबी लैशली को भी रोमन रेंस का ओपोनेंट, जिसमें से रैंडी रिडल एंड बॉबी लैशली का नाम था, तो लैशली वो एक नाम हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं। और पहले भी ये मैच हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे दोनों फेस सुपरस्टार थे, और अभी लैशली का स्टॉक और भी हाई हो चुका है, और रोमन रेंस का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो लैशली को चाहिए रोमन रेंस और उनकी चैंपियनशिप। बाकी देखो और साल 2022 में मैच होता है फिर नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो रोमन और लैशली के मैच के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जोर से बता देना। सो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।